सभी मित्रों को जय श्री राम है, नमस्कार है, जय परशुराम है। मित्रों, आज मैं इस विषय पे आया हूँ। विषय है कि जो फ्रांस देश में कट्टरवादी मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया जा रहा है और वहाँ पे एक टीचर की हत्या कर दी गई गला काट के। इसके बाद फ्रांस में पिछले बीते दो दिन में दो महिलाओं की भी हत्या कर दी गई। रूस में एक पुलिस वालों के ऊपर चाकू मार के हत्या कर दिया गया। ये जो विषय है कट्टरवाद का, मजहब का, धर्म का, ये क्या सिखाता है आप सबको? क्या इस्लाम यही सिखाता है? इस्लाम यही सिखाता है कि आतंकवाद फैलाओ, डर फैलाओ, किसी की हत्या कर दो, किसी को मार दो। हाँ, अगर तुम्हें किसी के बात व्यवहार के ऊपर टिप्पणी करनी है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कानून व्यवस्थाएं बनी हुई है, कानून उस पर एक्शन लेता है, कानून उस पर बीच बचाव करता है। और मैं फ्रांस के उस घटना के ऊपर, फ्रांस ने जब अपना राज धर्म, हर एक देश अपने व्यवस्था अपने हिसाब से अपने देश के लिए कानून बना के रखता है, कोई भी देश अपने देश के हित की बात करता है, अपने देश के हित के लिए वो किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है, किसी भी प्रकार से वो चल सकता है। इसमें किसी दूसरे देश को बोलने का हक नहीं बनता। अगर बोलता भी है तो एक हिसाब से बोले, सोच समझ के बोले कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो किसी गैर समुदाय के पक्ष में नहीं है, चाहे उसके साथ गलत हो या सही हो। मैं आप सबको यह बता देना चाहता हूँ कि फ्रांस के हर एक प्रोडक्ट को बहिष्कार करने की जो ये अपील चल रही है मुस्लिम समुदाय की तरफ से, क्या यह सही है? आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो ये बहिष्कार का चल रहा है प्रॉब्लम, तुर्की से लेके पाकिस्तान से लेके लगभग सभी मुस्लिम संगठन एकत्रित हो रहे हैं, सब ने बहिष्कार करना चालू कर दिया है। मैं हमारे भारत यानी हिंदुस्तान में भी भोपाल से लेके महाराष्ट्र से लेके अलीगढ़ से लेके और तमाम जगहों पे फ्रांस के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने के लिए कहा गया, रैलियां करी गई। ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर आपके अंदर मानवता है, आपके अंदर इंसानियत है, आप आज फ्रांस के उस बात के ऊपर बोल रहे हैं, उस बर्ताव के ऊपर बोल रहे हैं जो उन्होंने कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। आप लोगों ने तब नहीं बोला, आप लोगों ने तब क्यों नहीं बोला? आतंकवाद के खिलाफ आपने रैली नहीं निकाली, पाकिस्तान के खिलाफ रैली नहीं निकाली। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान के सपोर्ट में जितने इस्लामिक समुदाय के, जितने मुस्लिम संगठन के आदमी हैं, उन सभी से यह बोलना चाहता हूँ कि आपने कभी चाइना के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? चाइना के, चीन के लिए आप लोगों ने रैलियाँ क्यों नहीं की? चीन के बहिष्कार की बातें क्यों नहीं करी? क्योंकि चीन का गुलाम पाकिस्तान है, चीन के तलवे चाटता है पाकिस्तान। चीन बोलेगा यहीं खड़े रह, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के किसी भी आदमी से बोलेगा तो वहीं खड़े रहेगा। तो पाकिस्तान और तुर्की क्या इस देश के पूरे लीडर नहीं हैं? हम हिंदुस्तान में रहे हैं, हमें अपने देश की सोचना चाहिए। आज वही फ्रांस भारत के साथ खड़ा है, भारत के हर एक दुख सुख में वो साथ देता है। आज
हमारे देश में राफेल जैसे लड़ाकू विमान से लेके बड़े बड़े मिसाइल से लेके बड़े बड़े हथियार से लेके फ्रांस से आते हैं, फ्रांस हमें देता है, फ्रांस हमें हर एक युद्ध व्यवस्था हर एक सुरक्षा प्रकरण मुहैया कराता है। तो उसके लिए हम ये एक संगठित सुनियोजित तरीके से भारत में जो फ्रांस के खिलाफ रैलियां करी गई हैं वो सुनियोजित एक हिसाब से बनाया गया है। मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ जो बीजेपी से जुड़े हैं, जो मोदी जी से जुड़े हैं, जो योगी जी से जुड़े हैं, उन सभी को कुछ ऐसे आदमी हैं जो कहते हैं अंधभक्त हैं। जी मैं मानता हूँ, मैं आंख बंद करके मोदी जी के ऊपर विश्वास करता हूँ, आंख बंद करके योगी जी के ऊपर विश्वास करता हूँ, और क्योंकि वो देश के हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो देश के हितैषी हैं। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो हमें अंधभक्त कहते हैं। मैं उन लोगों को दलाल की परिभाषा देता हूँ कि वो दलाल हैं, दल्ले हैं वो लोग जो देश को बेच खाने के लिए दलाली करते हैं, जो चापलूसी करते हैं, जो चमचागिरी करते हैं, जो इस देश के पीठ पीछे वार करने वाले हैं। उन दलालों को मैं कहना चाहता हूँ, सुनो, मैं यस अंधभक्त हूँ लेकिन तुम्हारे जैसा दलाल नहीं हूँ। तुम लोग तो इस देश को बेच खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज फ्रांस के खिलाफ तुम लोगों ने रैली अपनाई। कांग्रेस अगर आज बीजेपी की सरकार नहीं होती, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, अमित शाह जी गृहमंत्री नहीं होते, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री नहीं होते, तो आज हमारे देश का बहुत बुरा हाल हो जाता। हम अपने देश में ही पराये बन के रह जाते। क्या कोई देश किसी दूसरे देश के शरणार्थी को शरण दे तो क्या उसकी गलती है? आज उन्होंने शरण दिया, आज उन्हीं के ऊपर वार किया जा रहा है, क्या ये फ्रांस की गलती है? फ्रांस हमेशा से शरणार्थी शरणागतों को अपने यहाँ जगह दिया, आज फ्रांस के लिए जो तुम लोग कर रहे हो क्या सही है? भारत में भी रोहिंग्ले मुसलमान आए हैं। मैं तो कहूँगा भारत की प्रधानमंत्री गृहमंत्री रक्षा मंत्री और सभी से कहूँगा, जितने हिंदू संगठन हैं उन सभी से कहूँगा, फिर से पुरजोर एक धरना एक रैली के तौर पे सरकार तक ये बातें पहुँचाएँ कि उन रोहिंग्ले मुसलमानों को हमारे देश से बाहर किया जाए, जहाँ के हैं वहाँ जाएँ, क्योंकि इनकी जो कट्टरपंथी वाली बातें हैं वो हमारे भेजे दिमाग में नहीं घुस रही है। रीजन क्या है कि हमारे देश के नौजवानों का सर कटता था, पुलवामा हमला हुआ, हमारे देश आतंकवादी हमले से हमारे देश के नौजवान शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने भारत में रहने वाले मुसलमान रैली पे नहीं उतरे। एक हरियाणा राज्य के फरीदाबाद बल्लभगढ़ ने एक निकिता नाम की लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके लिए कोई रैली नहीं उतारा, उसके लिए कोई मुसलमान रैली पे नहीं आया। राहुल सिंह की हत्या कर दी गई, उसने मुस्लिम लड़की से प्यार किया, उसके लिए कोई रैली नहीं उतारा। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये सब क्या दर्शाता है? क्या हमारे हितैषी ये दिख रहे हैं? जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो हमारे कुछ हिंदुस्तान की में कुछ चंद मुसलमान पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान की जीत पे जश्न मनाता है, और अगर भारत जीतता है तो वो लोग अपनी टीवियां तक फोड़ देते हैं। ये कौन सा कट्टरपंथी है? जिस देश में रहते हो, जिस देश का खाते हो, जिस देश ने तुम्हें शरण दिया, नौकरी चाकरी हर सुविधाएं दी तुम्हें, तुम लोग उसी देश के खिलाफ हो, आज फ्रांस के खिलाफ नारे लगा रहे हो। मैं लाइक करता हूँ फ्रांस को, फ्रांस अपनी जगह सही है, फ्रांस के सपोर्ट में पूरा देश आना चाहिए, इस कट्टरपंथी के खिलाफ पूरे देश खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब
यही रोहिंग्ले मुसलमान जो इंडिया में शरणार्थी हैं, जो बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्मी जो होते हैं, बहुत ही शांत प्रिय होते हैं, प्रेमी होते हैं, भगवत भाव में लीन रहने वाले होते हैं, उनके ऊपर इन लोगों ने एक्शन लिया, उनको मारा। तब किसी ने रैली नहीं करी, हिंदुओं को हत्या हो तब कोई रैली ना करे, हिंदुओं के या क्रिश्चियन के या सिखों, इन सब के धर्म के ऊपर कोई मुसलमान बोले तब तो कोई नहीं बोलने को तैयार है। हमारा धर्म दूसरे का धर्म धर्म नहीं है, लेकिन तुम्हारा मजहब धर्म हो गया, उसके खिलाफ कोई ना बोले। मैं अपने पूरे भारत देश के सभी हिंदुओं से, सभी गैर मुस्लिम धर्म से यही कहूँगा, एकत्रित हों और फ्रांस का साथ दें, फ्रांस के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर आज आप लोग बंद हो जाएंगे, मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी में इतनी दम है तो फ्रांस के ऊपर आंख उठा के देखे। कोई भी देश, चाहे तुर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे गैर जो भी बोलने वाला देश बनता हो, वो फ्रांस के ऊपर हमला करके तो देखे, नामो निशान फ्रांस मिटा के रख देगा उस देश को बोलने में। और मैं तो महाराष्ट्र सरकार से कहता हूँ, वाह भाई वाह, आपके लिए तो तालियां बजनी चाहिए, महाराष्ट्र सरकार में तो तालियां बजनी चाहिए, पुरजोर तालियां महाराष्ट्र सरकार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी तालियां बजनी चाहिए कि किस प्रकार से, किस प्रकार से तुम लोग ऐसे काम करते हो, वो करवाते हो। मैं तो शर्म आती है, शर्म आती है तुम्हारे जैसे पार्टी, तुम्हारे जैसे राजनीति के ऊपर, तुम्हारे जैसे शासक के ऊपर शर्म आती है। हाँ, किसी देश के मिनिस्टर की फोटो रातों रात रोड पे चिपका के उस पर गाड़ी घोड़े पैदल चल रही है, आपकी सरकार महाराष्ट्र में है, शर्म आनी चाहिए आपको। पता नहीं इतनी कौन सी तुच्छी राजनीति करते हो, कुर्सी के लालच में अपना धर्म, अपना नाम, अपने दादा परदादा पिताजी का नाम मिट्टी में मिला रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनीतिकियों के ऊपर। नमस्कार, जय श्री राम, सभी हिंदू संगठन एकत्रित हों, समय आ गया है।